भाई जब भी हम एनिमी को हेडशॉट मारने जा रहे हैं तो वहां पे हमारा एम एनिमी के बॉडी में चिपक जा रहा है, तो यार इसका कोई सलूशन बताओ। जी हाँ, जब आप एनिमी को हेडशॉट मारने जाते हो तो कई बार आपका एम एनिमी के बॉडी में चिपक जाता है। तो यार इसके पीछे ना तीन रीजन है। पहला रीजन, लो सेंसिटिविटी। जी हाँ, आपके फोन में लो सेंसिटिविटी होने के वजह से ये प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आप लोग सेंसिटिविटी को हाई कर लो। तो कैसे करना है भाई, यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी वाले सेटिंग्स पर आना है। अब देखो, यहाँ पे जो चार सेंसिटिविटी सेटिंग्स आपको दिख रहा है ना, इसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे फ्री फायर में जनरल सेंसिटिविटी पूरे गेम का सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। तो इसके वजह से क्या करना है कि आपके पास लो डिवाइस है या फिर हाई डिवाइस है, जो कोई भी डिवाइस है फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे जनरल सेंसिटिविटी को बिल्कुल 100 कर देना। लेकिन यार इतना सा सेंसिटिविटी में भी आपका काम नहीं बनेगा, तो इसके लिए आपको यूज करना है DPI। अब देखो यार, अगर आपके पास 2GB, 3GB या फिर 4GB रैम के डिवाइस है तो आप लोग यहाँ पे भाई 200 तक DPI को इंक्रीज कर लेना। मतलब आपका डिफॉल्ट DPI जितना है उसके साथ आप लोग 200 DPI को ऐड कर देना। और अगर आपके पास हाई डिवाइस है, जैसे 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम के फोन है, तो आप लोग यहाँ पे DPI को सिर्फ 100 तक ही इंक्रीज करना। मतलब आपका जो डिफॉल्ट DPI है उसके साथ आप लोग 100 DPI को ऐड कर देना। बस इतना सा सेंसिटिविटी रखने से आपका जो एम एनिमी के बॉडी में चिपक जा रहा था तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब जो एम एनिमी के बॉडी में चिपक जाता है, स्टक हो जाता है, इसका जो सेकेंड रीजन है वो है गलत एम लॉक। जी हाँ, आप लोग गलत एम लॉक करते हो जिसके वजह से आपका एम एनिमी के बॉडी में स्टक हो जाता है। तो अभी के टाइम पे अगर आपको फ्री फायर में हेडशॉट वगैरह मारना है तो आपको यहाँ पे एम लॉक कहाँ पे करना है भाई, आपको ऑलवेज एम को एनिमी के हेड के ऊपर, आप लोग देख सकते हो ये वाला जगह, तो आप लोग यहाँ पे भाई एम को लॉक करना है। अब देखो, लॉक करना है मतलब कि यार अभी के टाइम पे तो एम रेड नहीं होता है, यहाँ पे एम येलो होता है, तो आपको एम को यार इतना सा भी ऊपर में नहीं रखना है कि एम यहाँ पे व्हाइट होके रहे, क्योंकि अगर आपका एम यहाँ पे व्हाइट होके रहेगा ना, तो जब आप लोग ड्रैग मारने जाओगे तो आपका एम सीधा आसमान की तरफ निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एम को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है। जैसे ही आपका एम यहाँ पे योलो हो जाए, आप लोग देख सकते हो, तो वैसे ही आपको ड्रैग के लिए मार देना है। तो आपका जो एम एनिमी के बॉडी में चिपक जाता था, स्टक हो जाता था, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अभी जो यार एम स्टक होने के पीछे जो हमारा थर्ड रीजन है, ये भाई सबसे बड़ा रीजन है, और वो है गलत ड्रैग। जी हाँ, आप लोग गलत ड्रैग मारते हो जिसके वजह से आपका एम एनिमी के बॉडी में स्टक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई आप लोग जब एम लॉक कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो ना, तो आप लोग सबसे पहले भाई स्ट्रेट ड्रैग मारने के लिए चले जाते हो। अब भाई स्ट्रेट ड्रैग आपको नहीं मारना है, स्ट्रेट ड्रैग आप लोग तभी यूज करें जब कोई एनिमी आपके तरफ एकदम भाग के आ रहा है ना, तो उस मोमेंट पे अगर आप लोग स्ट्रेट ड्रैग का यूज करते हो तो फिर ठीक है, आपका हेडशॉट लग जाएगा, आपका एम स्टक नहीं होगा। लेकिन अदर सिचुएशन पे अगर एनिमी आपके साथ फेस टू फेस फाइट कर रहा है, खड़ा है, या फिर भाई एनिमी कोई सा भी पोजिशन पे है ना, तो उस सिचुएशन पे आपको ऑलवेज रोटेशन ड्रैग मारने की जरूरत पड़ेगा, तब जाके आपका एम एनिमी के हेड तक पहुंच पाएगा। वरना अगर आप लोग स्ट्रेट ड्रैग मारने जाओगे तो वहां पे आपका एम एनिमी के बॉडी में ही चिपक जाएगा। तो भाई जब कोई एनिमी एकदम आपके तरफ रनिंग मूवमेंट पे भाग गया है ना, तो सिर्फ उस सिचुएशन पे आप लोग स्ट्रेट ड्रैग का यूज करो, और बाकी जितने भी अदर सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन पे आप लोग हमेशा रोटेशन ड्रैग मारने की कोशिश करो, चाहे आप लोग कोई भी SMG गन यूज कर रहे हो या फिर कोई वन टैप का गन। तो इस एम स्टक हो जाने के पीछे जो तीन प्रॉब्लम था, तीन रीजन था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यार वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।